जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीके ऑलराउंडर चैनल पर। दोस्तों आज के स्वास्थ्य वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मोनोसेफ 125 एमजी इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों ये जो मोनोसेफ इंजेक्शन होता है, सेफ्ट्री एक्शन इसका साल्ट होता है और एरिस्टो कंपनी इसको बनाती है। बहुत ही ब्रांडेड कंपनी होती है, बहुत ही बढ़िया कंपनी होती है और इसका MRP जो है वो 37 रुपये 20 पैसे है। और इसका इस्तेमाल जो है, आप शरीर में सूजन आ गई हो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बुखार आता हो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और सर्दी हो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, मियादी बुखार हो, डेंगू हो, टाइफाइड हो, चिकनगुनिया हो, ये सभी प्रकार के बुखारों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा सर्दी खांसी जुकाम इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यदि बच्चे को पतली लैट्रिन आ रही है, सर्दी से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी आती है उसको, तो उसको भी आप मोनोसेफ 125 एमजी इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाएं, उसको फ़ायदा ज़रूर होगा। और इसके अलावा जो है, चोट लगी हो, पैर टूटा हो या खरोंच हो या किसी घाव हो, कैसा भी फोड़ा फुंसी जले कटे का घाव, ऑपरेशन हुआ हो, इन सभी समस्याओं में मोनोसेफ 125 एमजी इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही अच्छा काम करता है। वैसे सेफ्ट्रिएक्जोन फार्मूला के कई इंजेक्शन मार्केट में उपलब्ध होते हैं, जैसे कि C1 है और मैक्सोसेफ है, सेफ्ट्रीवेल है, और उसके अलावा में मैक्जोन है, मोन्टाज है, लेकिन मोनोसेफ इंजेक्शन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी एरिस्टो का प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छा काम करता है। तो मोनोसेफ 125 एमजी इंजेक्शन के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये बहुत ही बढ़िया इंजेक्शन है। इसका इस्तेमाल लगभग 0 से 1 साल तक के बच्चों के लिए किया जाता है। मोनोसेफ 125 एमजी इंजेक्शन जो है, इसका इस्तेमाल 0 से 100। जी हाँ दोस्तों, ये इंजेक्शन 1 साल तक के बच्चों के लगाया जाता है 125 एमजी, और यदि बड़ों के लगाना है तो उसके लिए 250 एमजी, 500 एमजी, 1000 एमजी मतलब 1 ग्राम, 1500 एमजी मतलब 1.5 ग्राम, 2000 एमजी मतलब 2 ग्राम इंजेक्शन इसके आते हैं। वो एज के हिसाब से लगाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल अपनी मर्जी से ना करें, डॉक्टर की राय और डॉक्टर के परामर्शानुसार ही इसका इस्तेमाल करें और करवाएं। और दोस्तों इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। यदि ये इंजेक्शन नस में लगाया जाता है, जैसा कि इस पर लिखा है IV and IM use only, IV का मतलब इंट्रावेनस, मतलब इसको नस में भी लगाया जा सकता है, और IM का मतलब इंट्रामस्कुलर, मतलब इसको मांस में भी लगाया जा सकता है। यदि इसको नस में लगवा रहे हैं तो इसको थोड़ा स्लो लगाएं, बहुत ही धीरे धीरे दवाई को पुश करें, और यदि थोड़ा जल्दी से पुश कर दिया, ज़्यादा तेज़ी से इंजेक्शन नस में लगा दिया गया, तो इसमें थोड़ी दिक्कत यह आ सकती है कि उल्टी हो सकती है, सिर घूमने लगता है, आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है, मरीज को चक्कर आ सकता है। बाकी लगभग इसके अलावा इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। तो दोस्तों यदि आपको या आपके घर में, परिवार में या किसी को भी इन समस्याओं में से कोई भी समस्या है तो आप मोनोसेफ इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाएं, डॉक्टर के परामर्शानुसार और राय के अनुसार, डॉक्टर के मार्गदर्शन में। और मिलेंगे फिर किसी दिन दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।